आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1870 में। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसके माँ ने उसके जन्मदिन पर उसे एक डॉल गिफ्ट की थी। उस लड़की को पहले से ही गुड़िया का बहुत शौक था, इसलिए वो अब तक उन चीजों से खेलती थी। डोना उस समय मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और एक अपार्टमेंट में भाड़े से रहती थी। उसके साथ उसकी एक रूममेट रहती थी जिसका नाम था एंजी। जब उसकी माँ ने डोना को डॉल गिफ्ट में दी, तब डोना ने उसे खुश होकर अपने पास रख लिया और अपने बिस्तर पर भी रख दिया। पर कुछ देर बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि वो डॉल एक जगह से दूसरी जगह पर जा चुकी थी। ऐसा रोज रोज होने लगा। जब वो कॉलेज से वापस आती तो उस डॉल की जगह बदल जाती थी। एक दिन डोना उस डॉल को अपने रूम के बिस्तर पर रख के गई। वापस आने पर उसने देखा कि वो डॉल हॉल के सोफे पर पड़ी थी। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन जब डोना और उसके दोस्त कॉलेज से वापस आए, तब उन्होंने देखा कि उनके रूम में ढेर सारे पेपर पड़े थे जिन पर लिखा था हेल्प। इस बात से वो दोनों घबरा गई, पर उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। एक दिन जब दोनों घर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वो डॉल रो रही थी और उसके आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। इस बात से वो दोनों इतना घबरा गई कि उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। उस एक्सपर्ट ने उस डॉल को चेक करके बताया कि उसमें एक मरी हुई आत्मा का वास है जिसका नाम था एनाबेल हिगिंस। जब उस एक्सपर्ट ने उस डॉल से बात करने की कोशिश की, तब उसने बताया कि कई साल पहले वो इसी जगह पर रहती थी जहां अब वो दोनों लड़कियां रहती हैं। उसने ये भी कहा कि उसकी मौत सिर्फ 7 साल की उम्र में हो गई थी। आगे उस डॉल ने कहा कि वो उन दोनों लड़कियों के साथ सेफ महसूस करती है, और उस एक्सपर्ट के जरिए डॉल ने उनसे पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। वो दोनों लड़कियां तब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और लोगों का भला करना उनका काम था, इसलिए उन दोनों लड़कियों ने उस डॉल पर दया करके उसे अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों बाद डोना और एंजी का एक दोस्त जिसका नाम था लॉ, वो भी उनके साथ रहने के लिए आ गया और लॉ एक दूसरे कमरे में रहने लगा। लॉ को उस डॉल से कुछ गड़बड़ महसूस होती थी और वो उन दोनों से कहने लगा कि इस डॉल को दूर फेंकाओ, पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने कहा था कि वो डॉल सिर्फ 7 साल की लड़की की आत्मा है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो सिर्फ प्यार चाहती थी। पर डोना नहीं जानती थी कि लॉ की बात ना मानकर वो कितनी बड़ी भूल कर रही है। एक रात जब लॉ अपने कमरे में सो रहा था, तब आधी रात को उसकी नींद खुली। तब उसने महसूस किया कि वो खुद को हिला नहीं पा रहा है और वो घबरा गया। तभी उस बच्चे की हंसी सुनाई दी। जब उसने दूसरी तरफ देखा तो एनाबेल डॉल उसकी तरफ ही चली आ रही थी, लेकिन वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। एनाबेल डॉल उसके शरीर पर आकर रुक गई और उसे घूरने लगी। फिर वो बेहोश हो गया डर के मारे। अगले दिन जब उसे होश आया तो वो बहुत डरा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि जो घटना कल रात उसके साथ घटी वो सच है या उसका कोई भ्रम। एक दिन लॉ और एंजी घर में अकेले थे, तब उन्हें अपने कमरे से एक अजीब आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई चोर अंदर घुस आया है, पर जब लॉ ने उस कमरे में जाकर देखा तो वो रूम बिल्कुल खाली पड़ा था और फर्श पर वही एनाबेल डॉल गिरी पड़ी थी। फिर लॉ को अपने चेस्ट पर बहुत दर्द महसूस होने लगा, मानो कोई उसे नोचे जा रहा हो। जब उसने अपने कपड़े खोले तो देखा उसके शरीर में कई बड़े और गहरे नाखूनों के निशान थे और उनमें से खून निकल रहा था। धीरे धीरे उस घर में ऐसी अजीब सी घटनाएं चल रही थी, पर डोना और एंजी को ये लग रहा था कि ये कोई 7 साल की बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती। पर लॉ के कहने पर उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया जिनका नाम था फादर हेगन। फादर हेगन को ऐसा लगा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है। उनका मानना था कि ऐसी आत्माओं की जांच के लिए किसी बड़े प्रीस्ट को बुलाना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़े प्रीस्ट फादर कुक से कॉन्टैक्ट किया और फादर कुक ने एड और वॉरेन से कॉन्टैक्ट किया। जब उन्होंने इस एनाबेल डॉल की जांच की, तब उन्हें पता लगा कि इस डॉल में किसी 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा थी, और वो शैतान एक बच्ची बनने का नाटक कर रहा था और उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना, जो उसके किसी दोस्त के शरीर पर कब्जा करना था। ये जानने के बाद डोना बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उसने एनाबेल डॉल को एड और लॉरेन वॉरेन के हवाले कर दिया। एड और लॉरेन वॉरेन उसे अपने साथ ले जाकर रखने लगे। जब वो उस एनाबेल डॉल को अपनी गाड़ी के पिछले सीट पर रख कर जा रहे थे, तब उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और अचानक ही गाड़ी की स्टेयरिंग और ब्रेक लॉक हो गई और एक जगह गाड़ी का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। तब उन्होंने होली वाटर छिड़क कर उस एनाबेल डॉल को शांत किया और वो कामयाब हो गए। आखिर में वो अपने घर पहुंच गए
पर उनके घर में भी वो एनाबेल डॉल एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। उसके बाद उन्होंने एक कैथोलिक प्रीस्ट फादर जेसन ब्रैडफोर्ड को बुलाया। उन्होंने एनाबेल डॉल को उठाया और कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये बात कहकर वो अपने घर की ओर चले गए। और थोड़ी देर बाद उन्होंने एड और लॉरेन वॉरेन को फ़ोन करके बताया कि वो एक एक्सीडेंट में मरने से बार बार बचे हैं। तब एड और लॉरेन वॉरेन ने यह फैसला किया कि वो इस एनाबेल डॉल को एक विशेष लकड़ी के बक्से में रखेंगे और उस एनाबेल डॉल को म्यूजियम में रखा जाएगा, जहां वो आज भी रखी हुई है। अब एनाबेल डॉल एक लकड़ी के बक्से में बंद है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक दिन एड और लॉरेन वॉरेन का एक रिलेटिव आया था। तब उन्होंने अपने रिलेटिव को इस एनाबेल डॉल के बारे में बताया, पर उस रिलेटिव ने बिना कुछ जाने ही उस एनाबेल डॉल का मजाक उड़ाया। अगले शाम जब वो अपने दोस्तों के साथ बाइक पर जा रहा था, तभी उसके बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके दोस्त तो बच गई लेकिन वो आदमी मर गया। बाद में उसके दोस्त ने बताया कि वो एनाबेल डॉल के बारे में ही बातें कर रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी उस बाइक का कंट्रोल अचानक से बंद पड़ गया और उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। आज भी एनाबेल डॉल उसी म्यूजियम में रखी हुई है और ये दुनिया की सबसे श्रापित डॉल मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी एनाबेल डॉल की कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए। हमारी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।